नमस्कार इनकोनिच्चिवा यूट्यूब के परिवार और गुड मॉर्निंग। मेरे को ना कल एक जापनीज रोक के बोलता है, तेरे तो लाखों में आते होंगे ना व्यू, तो को थोड़ा सा यहाँ पे ट्रैफिक है। अच्छा है ना व्यू, यहाँ का व्यू मेरे को बहुत अच्छा है लगता है। ये बिल्डिंग एकदम बहुत अच्छा है ना यहाँ पे। ये शायद मेरे हिसाब से होटल नहीं है, वो होता है ना गोकुल धाम जैसा, वैसा है मेरे को लगता है। पता तो नहीं, मेरे को लगता है वैसा। तो हाँ, तो मैं बोल रहा था कि ऐसे ब्लॉग करते हुए मेरे को देखकर जब मेरे को रोकता है और बोलता है कि तेरे तो लाखों में व्यू आते होंगे ना, और मैंने उसको बोला हाँ सॉरी थोड़ा सा ट्रैफिक था, तो मैंने उसको बोला कि ए भेड़िया, बैग का ग्रिप निकाल के ना सीधा बैठ, तेरे गांड हट कुटिया हट। तो वो डर गया तो भाग गया। मजाक करता है सुबह सुबह ऐसा मजाक मत कर रहा मेरे साथ। मैं तोड़ दूंगा लोग ना ज्यादातर कंफ्यूज हो जाता है कि मतलब इतना अच्छा देश है जापान, फिर भी क्यों इतना नेगेटिव मार्केटिंग चलता है ना। सब बोलते हैं कि मतलब जापान इतना अच्छा नहीं है, जापान इधर उधर क्या क्या बोलते रहते हैं। ये ऐसा होता है क्योंकि यहाँ के सब लोग होते हैं ना, वो क्वाइट से होते हैं। काम पे ध्यान दो, क्वाइट रहो, कुछ मत बोलो एक्स्ट्रा, हॉलीडे मत करो। इसकी वजह से ना ये लोग एकदम चिड़चिड़े होते हैं, इसलिए थोड़ा सा बेसिकली इंट्रोवर्टेड लोगों का कंट्री है ये। सब इंट्रोवर्ट सोचो, सब इंट्रोवर्ट होंगे तो कैसा होगा, वैसा है ये देश। इसकी वजह से थोड़ा सा परेशानी आती है जिसको घुल मिलना है ना वो पसंद होता है, नहीं तो देश अच्छा है, एकदम अच्छा है और सेफ भी है। मानो या ना मानो सेफ भी बहुत है, अमेरिका से तो फिलहाल ज़्यादा ही है। हेलो, मैं हूँ बड़ा ताकत पर मेरा गला। अरे आते आते मेरे को रात पड़ गई। सीधा सुबह निकला था सिर्फ उसके बाद रात में। लेकिन ये है ना, ये एरिया का रोड मेरे को बहुत ही अच्छा लगता है। थोड़ा सा डार्क है, मतलब ज़्यादा लाइट नहीं है यहाँ पे, लेकिन एकदम खुला है रोड। थोड़ा सा और लाइटिंग लगा देना तो चार चांद रख जाएंगे। ये वाली एकदम एकदम कैसी ट्रैवलिंग वाली वाइब आती है ना, वो होती है ना मूवीज में, क्या कहते हैं उसको, ऋतिक रोशन वाली मूवी है ना, जिंदगी ना मिलेगी दोबारा। जापान में रहने का फायदा ये है ना दोस्तों कि मैं जिस टाइम में भी उठकर निकल सकता हूँ, मतलब रात को उठो निकलो ट्रैवल करो, थोड़ा सा कोई टेंशन नहीं। तेरा भाई का एरिया के वो निकलता। कुछ दिक्कत हो तो तेरा भाई बिना यहाँ पे राधे भैया। अभी तो मेरे बाल की वजह से राधे भैया रख रहा हूँ यहाँ पे भी इंडियन रेस्टोरेंट है। देखो मेरे बाल देखा राधे भैया। तो हाँ आज के लिए इतना ही दोस्तों, ब्लॉग देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपसे मैं मिलता हूँ फिर कल के ब्लॉग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। राधे राधे।